खान के बड़े क्लैश से पहले ऋषभ पंत ने अपना बैग क्यों पैक कर लिया, चलिए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंड। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 अक्टूबर 2023 होने वाला है, इसके लिए सभी एक्साइटेड हैं, फैंस और आई एम श्योर प्लेयर्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत हुई लेकिन बीच बीच में बारिश ने पूरा हाल खराब कर दिया था, पूरा मूड खराब कर दिया था। अब बारिश के कोई आसार नहीं है, धूप चमकेगी और हमारे दिल भी चमकेंगे जब हम अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सज चुका है इस खास राइवलरी को देखने के लिए। लेकिन से पहले ऋषभ पंत ने अपना बोरिया बिस्तर क्यों पैक कर लिया है, वो इसलिए पैक कर लिया है क्योंकि ऋषभ पंत एक प्रमोशन कर रहे हैं दरअसल, जिसमें बैग का प्रमोशन है। बिग बिलियन सेल जो है वो आने वाली है, आप सभी को याद होगा, बहुत सारे लोग उससे शॉप भी करते हैं। उसी चक्कर में ऋषभ पंत ने जिस बैग का प्रमोशन करा है वो यही चीज बता रहे हैं कि वो आप बिग बिलियन सेल से ले सकते हैं। इस बैग को इन्होंने पहले भी प्रमोट करा है ऋषभ पंत ने, और एक अच्छा कन्वीनियंट बैग नजर आ रहा है जिसमें ट्रॉली वगैरह या हैंड बैग भी अवेलेबल है। तो बेसिकली उस बैग का ऋषभ पंत प्रमोशन कर रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि ऋषभ पंत बैग पैक करके इंडिया पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि ऋषभ पंत के फैंस आप जानते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं उनके लिए। अब छोटी सी छोटी वो चीज कुछ भी डाले तो पंत के फैंस खुश हो जाते हैं, और 14 तारीख को अगर ऋषभ पंत का साथ मिल जाए, यानी 14 अक्टूबर को अगर ऋषभ पंत का साथ मिल जाए टीम इंडिया को, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि आई एम श्योर पंत टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, वर्चुअली सपोर्ट करेंगे, अगर फिजिकली भी वहां मौजूद हो जाएंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मज़ा आएगा ऋषभ पंत के फैंस को भी और टीम इंडिया के फैंस को भी, क्योंकि मतलब ये जो बड़ी चीज़ है ये सालों में आपको एक बार देखने को मिलती है। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों ने खलल डाली और एशिया कप जो था वो ACC के अंदर था, ज़्यादा देश उसमें खेल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कितने सारे देश है, महामुकाबला होने वाला है 14 को, इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। आप कमेंट्स करके आप अपनी राय बताइए, ये भी बताइए कि अगर ऋषभ पंत 14 तारीख को इंडिया को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुँचते हैं तो अगर आप ऋषभ के फैन हैं कितना ज़्यादा खुश होंगे आप ये खबर सुन के। हालांकि हम तो चाहेंगे खबर सच हो जाए, बट कितना एक्साइटेड होंगे अगर ये चीज़ सच हो गई, कमेंट्स करके अपनी राय मुझे उसमें ज़रूर बताइए।